नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल रामू चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में हम RNFI में मनी ट्रांसफ़र कैसे करते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले हम पोर्टल को लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ लेफ्ट साइड में DMT का एक ऑप्शन आता है, DMT पे ओके कर लेंगे। DMT पर ओके करने के बाद यह पेज ओपन होके आएगा। यह पेज ओपन होने के बाद यहाँ पर इंटर द मोबाइल नंबर अकाउंट नंबर बिलो एंड प्रोसेस। अगर आपके पास मोबाइल नंबर या अकाउंट नंबर ऑलरेडी अपने ऐड कर रखा है तो आप डायरेक्टली अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर डालने पे उनका बेनिफिशियरी ऐड रहते हैं तो दिख जाएगा, नहीं है तो नया ऐड करने के लिए आता है। इस पोर्टल की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और अकाउंट नंबर दोनों से सर्च करने की सुविधा देता है, जो कि आपको किसी पोर्टल में सुविधा नहीं मिलती है कि अकाउंट नंबर भी डाल के सर्च कर सकें। और ये अकाउंट नंबर ये आप बेनिफिशियरी ऐड किए हैं या नहीं किए हैं ये मायने नहीं रखता है। अगर पूरे इंडिया में कोई भी बेनिफिशियरी अगर ऐड किया हुआ है तो अकाउंट नंबर जो ही डालेंगे वो बेनिफिशियरी आपके पास शो हो जाएगा। बस आपको अमाउंट डालना है, ओके कर देना है और वो पैसा तत्काल ट्रांसफ़र हो जाता है। ये फैसिलिटी किसी भी पोर्टल में अभी तक अवेलेबल नहीं है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे एक नया नीचे खुल के आएगा जिसमें सेंडर जो पैसा भेज रहे हैं उनका नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और OTP जो कि आपके जो मोबाइल नंबर आपने ऊपर दे रखा है उस मोबाइल नंबर पे जाता है। वही OTP यहाँ फिल करने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे नाम दिखा देगा, मोबाइल नंबर और उनकी मंथली लिमिट शो करता है। उसके बाद एक MPIN भी आपके मोबाइल पे आता है। MPIN सबसे पहले हम लोग चेंज कर लेंगे। MPIN जो आपके मोबाइल पे आया है उसको फिल करने के बाद न्यू पिन हम जैसे नॉर्मली 1234 या 114 टाइम ये कोई भी आप सेट कर सकते हैं जो कि आपका डिफ़ॉल्ट पिन रहेगा। MPIN बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा मैं दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि कस्टमर नेक्स्ट टाइम आपके पास आता है पैसा ट्रांसफ़र करवाने के लिए तो आपको उसके पास OTP आए या न आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप वही MPIN OTP की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे OTP मांगता है, OTP कस्टमर के मोबाइल पे नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, वही MPIN जो है दोबारा से 1234 या 11 जो भी आपने डिफ़ॉल्ट पिन बना रखा है उस पिन को डालेंगे और वहाँ पे OTP नहीं मांगेगा। या न्यू बेनिफिशियरी ऐड करना हुआ या मनी ट्रांसफ़र करना हो गया, इन केस यानी किसी भी सिचुएशन में जहाँ पे OTP मांगेगा DMT के केस में, वहाँ पे उनका MPIN डाल के आप काम कर सकते हैं। इसमें हम न्यू बेनिफिशियरी ऐड करेंगे। सबसे पहले न्यू बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए सबसे पहले हम जो है कि बैंक सेलेक्ट करेंगे कि किस बैंक में हमको पैसा भेजना है। तो हमें सेंट्रल बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना है तो हम सबसे पहले सेंट्रल बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। बेनिफिशियरी नेम, जिनके खाते में पैसा जाना है उनका नाम यहाँ पे फिल करना है। बेनिफिशियरी नेम फिल करने के बाद अकाउंट नंबर फिल करने के लिए मांगेगा। यहाँ पे अकाउंट नंबर सबसे पहले इनका अकाउंट नंबर फिल करेंगे। अकाउंट नंबर फिल करने के बाद कंफर्म अकाउंट नंबर में फिर यही अकाउंट
दोबारा से फील करेंगे। और यहाँ पे थर्ड कॉलम में देखिए, ये पूछा गया है कि आई डोंट हैव आईएफएससी कोड या फिर आई हैव आईएफएससी कोड। अगर जो आपके पास आईएफएससी कोड नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर जो है तो आप जो है नॉर्मली फिल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आई डोंट हैव पे सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए ओटीपी मांग रहा है, ठीक, ओटीपी मांग रहा है, तो यहाँ पे हमें ओटीपी नहीं देने की ज़रूरत पड़ेगी। हमने जो एम पिन अभी बनाया था वही एम पिन यहाँ पे फिल करेंगे। 1 2 3 4 फिल किया, सबमिट किया, ये आपका काम हो गया। यहाँ पे इनका बेनिफिशरी रजिस्टर हो गए। अब यहाँ पे वेरीफाई करेंगे कि खाता इन्हीं के नाम पे है या किसी और का है, जो कि 4 रुपये आपके पोर्टल से कटेगा और इनका नाम वेरीफाई कर देगा। अगर कस्टमर का नाम कुछ और बता रहा है, जो पैसा भेजने आए हैं उनसे बता दीजिए कि आप जिस खाते में भेज रहे हैं उनके खाते का नाम कुछ और बता रहा है। अगर खाते का नाम जो उन्होंने बताया है, कस्टमर का नाम जिसके खाते में पैसा आपको भेजना है उनका नाम जो बताया है और आपने वेरीफाई करने पे अगर जो सेम नाम मैच करता है तो ही पैसा ट्रांसफ़र करें। वेरीफाई करने के बाद यहाँ जो कॉलम है वहाँ पे कितना पैसा ट्रांसफ़र करना है वो फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ कंफर्म करने के लिए मांगता है कि आप जो है कि कितना पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो सारा चीज़ यहाँ पे कंफर्म करने के लिए मांगता है। सारा चीज़ देखने के बाद आप कंफर्म पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जो है ये आपका स्लिप निकल गया। सारा पैसा देखिए यहाँ पे सक्सेस सक्सेस शो कर रहा है। DMT में 5-5 हज़ार करके ही ट्रांजेक्शन होते हैं। यहाँ पे देखिए 5 ट्रांजेक्शन हुए हैं, 4 ट्रांजेक्शन 5-5 हज़ार रुपये का, 1 ट्रांजेक्शन 1 हज़ार रुपये का हुआ होगा, ठीक। तो आपका देखिए सारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल शो कर रहा है। नीचे यहाँ पे देखिए प्रिंट का ऑप्शन आता है, प्रिंट करके आप जो है स्लिप भी दे सकते हैं। और अगर ये ट्रांजेक्शन्स इन प्रोसेस या पेंडिंग में शो करते हैं तो आप लेजर में जाएंगे। लेजर में जाने के बाद DMT ट्रांजेक्शन्स पे क्लिक करेंगे। DMT ट्रांजेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं, सेम डे का देखना है तो सबमिट पे ही डायरेक्टली क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये आपके ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे देखिए स्टेटस दिखा रहा है। स्टेटस में सारे सक्सेसफुल दिखा रहे हैं, UTR नंबर दिखाता है और यहाँ पे डिस्प्यूट का भी ऑप्शन आता है। अगर जो ट्रांजेक्शन फेल होते हैं तो डिस्प्यूट में जाके आप जो है कि अपनी कंप्लेन दे सकते हैं।